स्वागत है दोस्तों आप सभी का चैनल टेक्निकल इंटलेक्शन में। मेरा नाम नीलम है और आज मैं आपको जीमेल, जी हाँ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऐप है जिसका कि हम सभी यूज़ करते हैं, इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले आपको जीमेल ये ऐप ओपन करना है। ऐप ओपन करने के बाद आप देखेंगे उसका जो इंटरफेस होता है कुछ इस तरीके से होता है। आपको ये जो नीचे में प्लस का आइकॉन दिख रहा है इस पर टच करना है। आप देखेंगे जो टॉप पर आपको दिख रहा है वो आपका ईमेल आईडी होगा। देन टू में आप किसे भेजना चाहते हैं, यहाँ पर आप किसे भेजना चाहते हैं आप क्या करेंगे उसका ईमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे। देन यहाँ पर आपको सब्जेक्ट डालना है। देन उसके बाद आपको कंपोज ईमेल करना है। तो चलिए देखते हैं, आपको यहाँ पर दिख रहा है सीसी, देन आपको दिख रहा है बीसीसी। तो सीसी और बीसीसी क्या होता है, फ्रम का तो आपको समझ आ गया कि फ्रम में क्या है, यहाँ पर आपका ईमेल आईडी आपको जिसे भेजना है, और ये जो टू है उसके अंडर में दो आते हैं, एक सीसी और एक बीसीसी। सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी, जबकि बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। आप सीसी का यूज़ तब करेंगे जब आप चाहेंगे कि आप जो ईमेल भेज रहे हैं वो सभी को पता चले कि आपने किनको किनको भेजा है। सपोज़ मान लीजिए आप पांच लोगों को एक ही कंटेंट सेंड करना चाहते हैं, उस केस पर आप क्या कर सकते हैं, सीसी का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप सीसी का यूज़ करेंगे तो पांचों को पता होगा कि आपने किनको किनको इस कंटेंट में यानी कि इस मेल का हिस्सा बनाया है, ठीक है। वहीं अगर आप बीसीसी में आएँ जो कि है आपका ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इस पर क्या होगा, आप फिर से क्या करना चाहते हैं, पांच लोगों को आप क्या करना चाहते हैं, फिर से पांच लोगों को एक ही कंटेंट सेंड करना चाहते हैं, पर यहाँ पर कंडीशन ये है आपका कि आप पांचों को मेल तो कर देंगे लेकिन पांचों को ही नहीं पता होगा कि इस कंटेंट में और कौन कौन शामिल हैं। तो ये यूज़ है सीसी का और बीसीसी का। सीसी में सभी को पता होगा आपने जितने भी पार्टिसिपेंट्स को ऐड किया है कि किनका मेल आया है, जबकि बीसीसी के केस में किसी को नहीं पता होता कि कितने मेंबर इसमें आते हैं। तो इस तरीके से आप सीसी और बीसीसी का यूज़ कर सकते हैं और अपने काम को और भी आसान बना सकते हैं। दोस्तों मुझे पता है कि ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन मुझे फिर भी ये पता है कि बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि लोग क्या करते हैं नॉर्मली, बस उनको इतना पता होता है कि चलो मेल करना है, फ्रम में अपना आईडी डाल लेते हैं और टू में जिसे भेजना है उसको। लेकिन जो लोग ऑफिशियल वर्क करते हैं उनको ये सारी चीज़ें पता होती है। लेकिन मैं फिर भी ये चाहूँगी कि आप सभी को इन सब चीज़ों के बारे में पता हो, ताकि फ्यूचर में आपको कभी इसकी ज़रूरत पड़ी तो आपको कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू।